हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने फ्लोर मैट बनाया है। ये हमने वेलवेट का बनाया है फ्रेंड, शैनील का भी बना सकते हो आप। ये हमने शैनील का और वेलवेट का मिक्स बनाया है। ये बहुत ही इजी है और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना स्टाइलिश है और बहुत ही सॉफ्ट है और स्मूथ है फ्रेंड। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पेपर लिया है, ये पेपर हमने पिन पेपर लिया है जो कॉपी होती है उसका, आप देख सकते हो वीडियो में। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इस पिन पेपर को हमें इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करना है। और हमें नीचे के साइड से हमने आधा इंच लेना है और ऊपर हमने 3.5 इंच लेना है। और एक स्केल की हेल्प से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम इसी साइज के हमें शैनिल के पीसेस चाहिए जो हमने मल्टी कलर में हमने कटिंग कर रखी हुई है। ये हमारे 14 पीस हैं, ये आप देख सकते हो। ये हमने इसी का साइज का लिया है, हल्का आप थोड़ा बड़ा छोटा आप कर सकते हो, बट आपको कटिंग इसी तरीके से करनी है। ये 14 पीस है मल्टी में, हर कलर की हमारे पास ये शैनिल के पीस लिए हमने फ्रेंड इसी साइज के। ये फ्रेंड हमारी पीस जो है शैनिल के। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप वीडियो में देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक दो पीस लेने हैं हमें इसके और हमने सीधी सिलाई करते जाना है और इसी तरीके से हमने ये सारे हम जोड़ेंगे। अब हमें सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टी लेनी है और ये भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार करनी है। फ्रेंड हमें एक कलर की नहीं लेनी है क्योंकि इसमें एक जैसे कलर भी दो हैं, तो इसमें अलग अलग कलर की लेनी है हमने। ये अब हमने ब्लैक कलर की ली है। अब हमने पिंक लेनी है। आप भी अपनी बची हुए पीसीस से फ्रेंड इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। ये हमने पूरी पीस जोड़ लिए हैं, ये 14 पीस हैं हमारे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जितना भी हमारा बीच का सर्कल है उसके हिसाब से हमने कटोरी या ग्लास ले लेना है और इससे पेन से लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम के निशान को छोड़ते हुए हल्का सा इसकी कटिंग करते जाना है। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इस पर सिलाई लगानी है। ये हमने लगा ली है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये आप देख सकते हो हमने बीच में कट लगा रखा हुआ है। ये हमने देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनना है हमारा गोल। ये आप कोई भी बाउल कटोरी ले सकते हो। ये हमारा शरीर का कपड़ा है, ये हमारा वेस्ट कपड़ा है फ्रेंड। इसे हमने इसके ऊपर रखकर फैला लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे रख लेना है और चारों तरफ से हमें कटिंग करनी है इसकी। इसी के साइज की हमने ये पीस कट करना है शैनिल का। ये हमारा वेस्ट पीस था फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, जिसने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हो ये सेम इसी साइज़ का हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, कोई भी आपके पास ओल्ड बेडशीट हो या कोई भी कपड़ा हो आपको, तो हमें इसके बीच में लगाना है। या आप इसमें जो कट्टा होता है चावलों का वो भी लगा सकते हो, बोरी होती है वो भी लगा सकते हो, बट मैंने ये बेडशीट ली है। ये भी मेरी वेस्ट थी
अब इसी साइज़ का हमने बेडशीट की भी कटिंग करनी है। आप इस तरीके से भी इसे बेडशीट की कटिंग कर सकते हो, ऐसे करना है हमें। ये हमारी डबल है, ये आप देख सकते हो वीडियो में। हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और हमें ये हमारा कॉर्नर है, इस पर हमें इसे रखना है और इस तरीके से भी हम कटिंग अपने गोलाई में परफेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोलाई इसकी कटिंग हुई है। ये हमारी डबल लेनी है क्योंकि ये हमारी पतली है बेडशीट फ्रंट। अगर आपके पास कोई भी मोटा कपड़ा हो, आपके पास शर्ट हो, पैंट हो, जीन्स हो, आप वो भी बीच में इसके लगा सकते हो। कोई भी वेस्टेज कपड़ा हो आपका, आप सिंगल भी ले सकते हो, बट मैंने डबल लिया है क्योंकि ये मेरी बेडशीट बहुत हल्की है। और अगर आपके पास वेस्ट कपड़ा नहीं है तो आप इसमें कट्टा या बोरी वगैरह जो होती है वो भी लगा सकते हो इसके बीच में। ये देखिए ये मेरे डबल हैं पीस। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारी ब्राउन कलर की शैनिल है उसे तो हम अलग रख लेंगे, और ये जो हमने पीस मल्टी में जो हमने पीस की जोड़ रखा हुआ है उसे हमें इस पर अच्छे से फैला लेना है, इस तरीके से करके करते हुए। ये आप देखिए हमने इस पर अच्छे से इसे फैला लिया है, और ये जो हमने पीस कटिंग करा था बीच का, ये हमने गिलास की साइज़ का, अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस पर पिनअप कर देंगे। पिनअप करने से फ्रेंड ये होता है जो आपका कपड़ा होता है वो सरकता नहीं है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड हमने इस पर सिलाई लगा ली है। हमने नीचे कॉटन का कपड़ा जो था हमारा बेडशीट थी इसे रखकर हमने ये बीच की सिलाई लगाई है। अब हमें जिस जगह पर हमारे ये जॉइंट है यहाँ हमें सिलाई लगानी है मशीन से। हमें सेम इसी तरीके से इस पर पूरे सर्कल पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमें पूरे सर्कल पर हमने ये सिलाई लगा ली है। इस जगह पर हमने सब पर सिलाई लगाई है। ये हमारा इस तरीके से जो ओपन है इसका और मैट का। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमने कॉटन लेनी है, और अगर आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है फ्रेंड तो आपके पास कोई भी कतरन होती है, कोई भी छोटे छोटे पीसेस करके कतरन के आप इसमें वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ गेटअप आएगा। बट मैं ये कॉटन इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो हमारे ये फ्लावर सा बना हुआ दिख रहा है, अलग अलग मल्टी में कलर हैं जो, ये हमारे उभरे हुए से दिखेंगे, इससे बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा आपको। ये हमने ज़्यादा नहीं भरने हैं, हल्के हल्के से भरने हैं, ज़्यादा नहीं उठाना है हमें इसे। ये हमें किसी भी चीज़ से, आपके पास प्लास वो सॉरी आपके पास पेचकस वगैरह हो, कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसे आगे कर दीजिए, बट मैंने ये सीज़र से ही इसे जो नोक है इसकी आगे को कर दिया है हमने। इसी तरीके से हमने पूरे इसे सर्कल में ये कॉटन अपनी भर देनी है।
ये देखिए हमने इसमें कॉटन भर लिया। ये हमारे बैक साइड है, इसमें हमने पीछे की साइड हल्का सा कट लगाया है। इस तरह आप छोटे छोटे पीस कर सकते हो। ये देखिए हमने शैनिल के ही पीस करे हैं और इसमें बीच में हमें इसमें डाल देने हैं ये पीस। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत जो है हमारा ये सर्कल बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा फ्लोर मैट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, ये हमने जो ब्राउन कलर का अपना ये पीस कटिंग करी थी सर्कल के नाप की, इसे हमने इसके ऊपर रखना है। ये हमारा उल्टा है, ये हमें उल्टा ऊपर की साइड रखना है, सीधा नीचे की साइड रखना है। इस तरीके से हमें इसे रख लेना है। ये देखिए, और जो हमारा एक्स्ट्रा ये शैनिल निकल रही है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये ऐसा हुआ है इसलिए हुआ है फ्रेंड क्योंकि हमने इसमें कॉटन भर ली है तो उससे वो उठ सी गई है, ऊपर का जो कपड़ा है वो उठ सा गया, इसलिए ये बड़ा हो गया है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब पूरे सर्कल पर हमें फ्रेंड ये पिन लगा देनी है ताकि जो हमारा नीचे का और ऊपर का जो कपड़ा है वो सरके नहीं और सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग कर आए। इस पे पूरे पर हमने पिन लगा ली है, ये देखिए। और हमें इस पर अब बीच में से हमें ओपन रखना है, इतना हमने ओपन रखना है जिस जगह पर हमारे जो दो पीसीज हैं इतना स्पेस हमने ओपन रखना है फ्रेंड। और पूरे सर्कल पर हमें इस जगह से हमने निश्चित सिलाई लगानी है। अब हमें इस पर पूरे सर्कल पर सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, पिन अपनी पिन निकालते जाना है और पूरे सर्कल पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा ओपन है इस जगह से, अब हमें क्या करना है, अपनी पूरी गोलाई में हमने हल्के हल्के जहाँ जिस जगह पर हमारी सिलाई लगी हुई है उस जगह से पहले हमने हल्के हल्के कट लगाने हैं। ये देखिए इस जगह से जहाँ जिस जगह से हमारा ये ओपन है उस जगह हमने पिन लगाई है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत जो है हमारा ये फ्लोर मैट बनकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें इसे अंदर की साइड कपड़े को कट के सिलाई लगानी है जिस जगह से हमारा मुंह ओपन था। इस जगह पर हमने इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए, आप हाथ की सुई से भी सिलाई लगा सकते हो बट मैंने मशीन से ही इस पर सिलाई लगा ली है। और ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत कितना स्टाइलिश हमारा फ्लोर मैट बनकर तैयार हुआ है। अब एज यू विश आप इसे टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।